हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। मेरा नाम है भागीरथ मीना और भाई आज हम आ चुके हैं छतरपुर मंदिर, और जैसा कि आप देख सकते हैं देवेंद्र भाई भी मेरे साथ है। देवेंद्र भाई, क्या हालचाल है भाई आपके? बढ़िया हालचाल भाई। आज हम आपको दिखाने वाले हैं, आज कौन सा नवरात्र है देवेंद्र भाई? भाई यार 6th नवरात्र है। आर यू श्योर? यस ब्रो। 6th है? हां जी। कल 9 है, 7th 8th हां भाई। तो भाई आज अपना 6th नवरात्र है और दिवाली वाले नवरात्र है। कौन से नवरात्र होते हैं ये वाले? दिवाली वाले होते हैं भाई। दिवाली के नवरात्र को क्या बोलते हैं? पहले वाले होते हैं, वो होते हैं वो चैत्र नवरात्र। हाँ हाँ। ये कौन से हैं? पता नहीं भाई, इतने डिटेल में नहीं हम जानते यार। तो भाई जो दिवाली से पहले नवरात्र आते हैं वो वाले नवरात्र अभी शुरू हो चुके हैं, और आप देख सकते हो अभी शाम के भाई टाइम बताइए एक बार। 6:41 हो रहे हैं भाई, ठीक है, और शाम का टाइम है। हम शाम का टाइम भाई इसलिए आए हैं इस बार रात के टाइम पर, क्योंकि रात के टाइम पर हमें डेकोरेशन देखने को बहुत अच्छी मिलती है। अभी हम हैं हनुमान जी, जिधर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है उस साइड है। अभी हम यहाँ पे मंदिर में दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो हनुमान जी पे जो आरती होती है उसको हम आज आपको दिखाने वाले हैं। सो गाइस बने रहिए आप व्लॉग में। अभी आप अंदर दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हनुमान जी की तरफ। देवेंद्र भाई इधर आ जा भाई। अबे तू क्यों शर्मा रहा भाई, तू ही तो इस वीडियो का मेन है यार। यार लाइमलाइट तो तेरे को ही देनी है सारी। और ये देखो भाई, लास्ट टाइम भी हमने आपको दिखाया था ये कितना बड़ा ताला है भाई। गेट कभी खुलता हुआ हमने देखा ही नहीं। देवेंद्र भाई आप तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं, क्या आपने देखा है कभी इसको खुलते हुए? मैं रह रहा हूँ, आज तक तो मैंने कभी देखा ही नहीं ताला खुला। ऑब्वियसली भाई, हम ऐसे प्रोग्राम से कोई ऐसा होता कभी यार, हमने देखा ही नहीं है कभी खुलता है भाई। अगर आपको किसी को भी पता है ताला कब खुलता है, कोई आसपास का अगर ये वीडियो देख रहा है तो हमें प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो ये गेट क्यों है और ये अंदर किसके अंदर क्या है। कार पार्किंग है भाई यहाँ, क्या आप अपनी कार पार्क कर सकते हो। और मंदिर आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर। और ये लाइटिंग्स अपने घर से इतनी प्यारी लगती है पूछो मत। लास्ट टाइम हमने आपको डे का व्यू दिखाया था, इस टाइम नाइट व्यू एंजॉय करो भाई आप। ये देखिए भाई, ये माता जी का मेन मंदिर है इधर, और अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने। ये भाई जैसा कि हमने आपको बताया था ये कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पे कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं भाइयों। बहुत अच्छा बना रखा है मंदिर, बहुत वाइड है और वन ऑफ द बिगेस्ट टेंपल इन इंडिया है। और यहाँ पे देखिए आप कितना प्यारा व्यूज़ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लाइट्स चेंज होती रहती है टाइम टाइम पे, जो कि बहुत प्यारा व्यू हमें आपको देखने को मिलता है भाई। देवेंद्र भाई इस मंदिर के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे, इस मंदिर की सुंदरता के बारे में? कहना चाहूँगा जो कभी छतरपुर मंदिर नहीं आया उसे आना चाहिए, वन टाइम विजिट तो करना चाहिए, दिल्ली में रहता है ऑब्वियसली, एक बार तो भाई आना बनता है। प्राचीन मंदिर है दिल्ली का और इंडिया का भी सबसे बड़ा एक मंदिर हमें आता है, सबसे बड़े मंदिरों में। अब बन चुके हैं मंदिर लेकिन ये सबसे बड़ा मंदिर था। देखो भाई कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द हनुमान जी आरती। आज के दिन भाई हनुमान जी के ऊपर लाइटिंग शो होता है, आई मीन भाई आज देखने जा रहे हैं। और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी है भाई, बहुत ज़्यादा। अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल हनुमान जी के बिल्कुल चरणों में। आप देख लीजिए हनुमान जी की मूर्ति, जो आपको दूर से इतनी छोटी दिखती हो एक्चुअली है कितनी बड़ी है। देखो भाई ये देखो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई। देवेंद्र भाई कितने मंजिल होगी आपके हिसाब से मूर्ति? 17-18 मंजिल पर। ये कम से कम 7 मंजिल की भाई, कम से कम बोल रहा हूँ, और ज़्यादा भी हो सकती है भाई।
तो भाई यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आके पर्सनली भाई, हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे बेस्ट प्लेस ऑफ दिस मंदिर यही है। और आगे जो आप देख रहे हो वो माता कात्यायनी का मंदिर है, मतलब उनका जहाँ पे मेन, जहाँ पे उनके दर्शन होते हैं। और अभी हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो भाइयों अभी सबको नीचे भेज रहे हैं वहाँ से, क्योंकि अब हनुमान चालीसा का टाइम हो चुका है। स्पेशल हर मंगलवार को वही हनुमान चालीसा हनुमान जी की मूर्ति पे प्रोजेक्ट करी जाती है, तो वही देखिए हम यहाँ पे स्पेशली आए हैं आज। उसको मैंने वीडियोस में बहुत देखा है और लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं देखा है, तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं। देवेंद्र भाई, आर यू एक्साइटेड फॉर द हनुमान चालीसा? चलिए आप लोग भी खाली खाली होगा, नीचे हो जाइए। देवेंद्र ब्रो, आर यू एक्साइटेड फॉर हनुमान चालीसा टुडे? ऑब्वियसली लाइव चलते हुए हम देखेंगे। हमने वीडियो में बहुत देखा लेकिन लाइव आज तक भी नहीं देखा है। एग्जैक्टली। और आज एक हमारा जो दोस्त है, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, सुजल तिवारी, वो आया नहीं है भाई। कोई बात नहीं सुजल भाई, आप नहीं आए लेकिन हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम भाई ज़रूर आना अगर आपको टाइम मिले तो। भाई आपने कितनी अमेजिंग आरती थी भाई, हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप ज़रूर बताइए भाई कमेंट्स में आपको कैसे लगी भाई। ये हर मंगलवार को भाई यहाँ पे प्रोजेक्शन शो होता है और आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। तो अब थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं। देवेंद्र भाई कैसा लगा आपको भाई पहली बार आप दर्शन लाइफ में कभी नहीं मिलते? आप भी आज पहली बार आए हो? पहली बार आया, बात रहेगा कि पहली बार आया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आज नाइट के टाइम पे पहली बार आए भाई टाइम निकाल के। और मेरे साथ मेरी बहन रीमा दीदी भी आई है, तो रीमा दीदी हेलो करो सबसे पहले। तो आपने क्या आरती के एंजॉय की थी आपने, कैसा लगा आपको? ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो अब हम चल रहे हैं माता जी के दर्शन करने, मंदिर में आ जाओ भाई। तो भाई आप भी ऐसी स्कूटी ले लो ओला की भाई, रहन दे, फिर आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, देवेंद्र भाई जो कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, और देवेंद्र भाई की स्कूटी कितनी माइलेज देती है वो आप देख के शौक हो जाओगे। देवेंद्र भाई टू बी ऑनेस्ट, मंदिर में आप खड़े हो सच बता दो आपकी स्कूटी कितनी माइलेज देती है? अब रोड के भाई चुका आ चुके हैं, यहाँ पे माता कात्यायनी जी के दर्शन हम करने वाले हैं। काम इतने होते हैं, फोन याद ही नहीं रहता है। तो भाइयों अब आपको अंदर दिखाएंगे, आज हमारी YouTube फैमिली में नई मैं जुड़े इनसे बात। यस गाइस, सबसे पहले आज देवेंद्र की बहन और मेरी भी बहन हाँ। रीमा दीदी हमारे सामने आ चुकी है, इधर से रोड आ रहा है छतरपुर मेट्रो से आ रहा है और यहाँ आ रहा है फतेहपुर की तरफ, और बीच में आपको मंदिर पड़ता है। यहाँ से मेट्रो से आप ऑटो लेके आ सकते हो। रोड के साइड से चल के हम अंडर पास आ चुके हैं,
दिखाई बहुत देर भीड़ में चलने के बाद। नाउ वी आर गेटिंग इन टू इन साइड ऑफ मंदिर। यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है भाइयों, ठीक है। यहाँ पर पुलिस वुलिस हर जगह आपको दिख जाएंगे सिक्योरिटी चेकअप के लिए। भाइयों मंदिर में आने के बाद आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ से सब लोग इधर घूम रहे हैं जिग-जैग यूँ नहीं भाई, सीधा आ रहे थे लास्ट टाइम जब हम आए थे, सीधा आए थे ना देवेंद्र, यहाँ से सीधे गए थे हम लोग। ये भाई कुछ नहीं, भीड़ कम करने का तरीका है और कुछ नहीं है। सुबह बस भीड़ कम करने का तरीका ताकि सब लोग दर्शन करके निकल जाए। मंदिर लगता है मुझे रियलिटी में। फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने सूट लेने। अब मंदिर से बाहर आ चुके हैं अभी हम दर्शन करके, और हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं। एक पार्ट था जो आज हमने छोड़ दिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और घर से फ़ोन आ चुका था, जैसा कि आप देख सकते हैं पिमा दीदी के फ़ोन में। हाँ भाई बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि अभी टाइम पर घर भी पहुँचना है और खाना वाना भी खाना है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।